महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कई दिनों बाद कल गोवंडी में एक रैली संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में इस रैली में उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे और उनके बागी विधायकों पर कौन सा निशाना साधते हैं या उन पर क्या बोलते हैं, इस पर लगातार सबकी नजर बनी हुई है। इसी बीच अब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पार्टी के युवा नेता अक्षय निकालजे ने उद्धव ठाकरे को सपोर्ट किया है। महाराष्ट्र में चल रही राजनीति पर उन्होंने अपने विचार भी रखे हैं। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में निचली स्तर पर राजनीति चल रही है, जिसका मैं निषेध करता हूँ। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि मैं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का हमेशा ही साथ दूंगा। आइए जानते हैं कल होने वाली रैली को लेकर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के युवा नेता का क्या कहना है। अनेक राजकारणात घडामोडी होत असतात, पण आज जे महाराष्ट्रात राजकारण जे चालू आहे ते अगदी खालच्या पातळीवर जाऊन हे राजकारण चालू आहे। आम्ही महाराष्ट्रात अशी स्थिती कधी बघितली नव्हती, पण काही लोकांमुळे आज महाराष्ट्रामध्ये जो प्रश्न निर्माण झालेला आहे त्याचा मी तीव्र निषेध करतो। आमचा त्यांना पूर्णपणे पाठिंबा असणार, आणि असं असतं तर आम्ही स्वतःही अगर मुख्यमंत्री साहेब येत असतील तर आम्ही स्वतःही त्यांना पाठिंबा देणं इच्छुक आहोत, कारण की ज्या गोष्टी महाराष्ट्रात घडतात आहे अत्यंतपणाने खालच्या पातळीचं राजकारण चाललेलं आहे, आणि आजपर्यंत आम्ही असं राजकारण कधी आयुष्यात बघितलं नव्हतं। आम्ही मुख्यमंत्री साहेबांसोबत आहोत। आपको बता दें कि अक्षय निकालजे का आज जन्मदिन है। अपने जन्मदिन को मनाते हुए उन्होंने गरीब वर्ग के बच्चों को पुस्तक और ज्येष्ठ व्यक्ति को छाता बांटे हैं। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कांबळे की रिपोर्ट। खबरों का शहंशाह मुंबई बोले तो मेट्रो मुंबई।